डाइफ्रेक्शन डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट बेटा, डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिप, ये बेटे हमने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, थोड़ा मैथमेटिकल डिटेल्स इसकी बेटे जो है एक बार मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, प्लीज कंसंट्रेट। ये आपके पास बेटे कोई सोर्स ऑफ लाइट एस है, इस सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेट होगा और ये रेज ऑफ लाइट जो है दीज विल ट्रेवल इन दिस मैनर। तो ये रेज बेटे बिकॉज डाइवर्ज कर रही हैं, इन रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट करने के लिए और ये वाले वेव फ्रंट को जो कि स्फेरिकल है नेचर में, इसको प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक लेंस L1 प्लेस कर देते हैं। ये लेंस आपके इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को इस प्लेन वेव फ्रंट में बेटे बदल देता है। रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स बेटे। नाउ व्हाट वी डू फर्दर इज दैट बेटे, हमने इन वेव्स के पाथ में एक स्लिट ए बी प्लेस कर दिया। दिस इज द स्लिट ए बी, रेज ऐसे ही जा रही हैं और यहाँ पे आपने एक बेटा फोकसिंग लेंस प्लेस किया, लेट मी कॉल दिस एज लेंस L2। और यहाँ हमारे पास बेटे एक स्क्रीन हमने मैनेज कर रखा है, जो सेंटर ऑफ द लेंस L1 से रे ऑफ लाइट जा रहा है, वी एक्सपेक्ट इट टू रीच एट द पॉइंट O ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस यू कैन से। और ये रेज आपकी O पॉइंट पर कुछ इस तरीके से पहुंच रही है फोकस होने के लिए। अब ये वाला जो सेपरेशन है A और B पॉइंट्स के बीच में, जिसको आप स्लिट का विड्थ भी कह सकते हो, लेट इट बी स्मॉल d, जैसे आपने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। और यहां से बिकॉज बेटे डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो है दैट इज टेकिंग प्लेस, तो डाइफ्रेक्टेड रेज ऑफ लाइट हमने ऐसे ड्रॉ कर ली है और ये आपका दिस इज द पॉइंट P से, इस पॉइंट P पर आपकी जो रेज ऑफ लाइट है कुछ इस तरीके से पहुंच रही है। अब बेटे आपने इसको मिडल वाले पॉइंट को सी पॉइंट कह दिया और यहां से एक नॉर्मल इंसिडेंट किया एन, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल अगर थीटा है दिस विल आल्सो बी थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा एज पर अवर ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस बेटे। नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, पी पॉइंट पर आपकी जो दो रेज ए पॉइंट से और बी पॉइंट से पहुंच रही हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना हमारी प्रायोरिटी है। एक आप देखिएगा ए पॉइंट से एंड एक आपका बी पॉइंट से रे, ओ ये पी पॉइंट पे पहुंच रही है, ओ वाली तो चलो इन फेज ही है, ए एंड बी से जो पी पॉइंट पे पहुंच रही है इनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने ये ट्रायंगल प्लॉट किया है, ड्रॉ किया है ट्रायंगल ए बी एंड एन बेटे। इस ट्रायंगल में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बी एन आपको ये जो दोनों रेज हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस बता देता है। इन सिंपल वर्ड्स बी एन आपका बेटे जो है दिस इज पाथ डिफरेंस, आप ऐसे कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बी एन को कैलकुलेट करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, उसके लिए आपने ये वाला ट्रायंगल चूज किया, बेस ऑफ द ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा जो है दिस इज इक्वल टू बी एन परपेंडिकुलर अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज। सो जब आप बेटे इसको फर्दर मोर कैलकुलेट करना चाहेंगे
बी एम विल बी इक्वल टू ए बी इन टू साइन ऑफ एंगल थीटा। ए बी बच्चों आपके स्लिट का साइज है, स्लिट का विड्थ है, तो आपका जो पाथ डिफरेंस बी एन है दिस इज टर्निंग आउट टू बी डी साइन थीटा। आपने पाथ डिफरेंस बेटा निकाल लिया डी साइन थीटा के बराबर। अब आप बेटे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशंस जो हैं उनकी फॉर्मेशन जो है उसकी फॉर्मुलेशन आप करना चाहते हैं। सेंट्रल फ्रिंज आपका बेटे ब्राइट फ्रिंज अगर है तो पी पॉइंट पे आपका मिनिमा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए और ये कुछ इस तरीके की जो है ये आपकी स्क्रीन दिखेगी फॉर द सेंट्रल फ्रिंज। अगर आप बाकी की फ्रिंजेस की भी बात करोगे सेंट्रल फ्रिंज के बाद तो ये आपकी बाकी की फ्रिंजेस कुछ इस तरीके से जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं और इनका जो इंटेंसिटी एंड साइज है वो अकॉर्डिंगली बेटा वेरी करता चला जाएगा। अब अगर हम कहें कि पी पॉइंट पे मिनिमा कैसे बन सकता है, कंडीशन कौन सी है मिनिमा के लिए, तो उसके लिए आप अपना जो पाथ डिफरेंस है इसको अगर लैम्डा के बराबर पुट कर देते हैं तो आपका मिनिमा बन जाएगा। अब हम किस तरीके से किस बेसिस पे कह सकते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस ए और बी से जो रेस पी पे पहुंच रही है इनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो कैसे ये मिनिमा बनाएगा, कौन सा ऐसा हमारे पास टूल है जिसके साथ हम ये कह सकते हैं। नाउ कंसेंट्रेट एट अपॉन द पॉइंट ए बी एंड बेटे आल्सो द पॉइंट सी। ए से और बी से जो रे पी पॉइंट पे पहुंच रही है अगर इसका पाथ डिफरेंस लेमडा है तो दैट विल मीन दैट कि इन दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस यहां से और यहां से वन हाफ ऑफ द लेमडा होगा, इनके लिए भी वन हाफ ऑफ द वेवलेंथ लेमडा ही होगा। मैं ये लेमडा बाई टू पाथ डिफरेंस ए और सी से उठा लेता हूँ। बच्चों फेज डिफरेंस आप जानते हैं दिस इज टू पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस हुआ करता है। सो आपके पास जो है फेज डिफरेंस इट विल बी इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा पाथ डिफरेंस, आपने लेमडा बाई टू अज्यूम किया है तो फेज डिफरेंस बेटे पाई आ गया। तो इट विल मीन दैट बेटा अगर आपकी जो रेज हैं ए से और सी से इनको आप कंसीडर करते हो तो दीज आर मीटिंग आउट ऑफ फेज, पाई का इनके बीच में फेज डिफरेंस है तो ऑब्वियसली इनके बीच में भी पाई का होगा। इट मीन्स दैट बेटा कि पी पॉइंट पर जो रेज हैं ये बिकॉज आउट ऑफ फेज बीट कर रही हैं आपका डेफिनेटली मिनिमा बनेगा। अगर हम बात करें ये आपका फर्स्ट मिनिमा है बेटा, अगर सेकंड मिनिमा की बात करें तो यही पार्ट डिफरेंस आपका ट्वाइस लैम्डा हो जाएगा, उसमें आप लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर फोर पार्ट्स में उसको डिवाइड करके आउट ऑफ फेज शो कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन आपकी मिनिमा की फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन है बच्चों दैट इज देन डी साइन थीटा इज इक्वल टू वन इंटू लेमडा फर्स्ट मिनिमा, डी साइन थीटा ट्वाइस इंटू लेमडा सेकेंड मिनिमा, एनथ मिनिमा के लिए डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा आप ऐसे कह सकते हैं। देन अगर हम बात करें बेटा हमारे मैक्सिमा की मिनिमा के बाद, देखिए ये तो सेंट्रल मैक्सिमा था ये फर्स्ट मिनिमा, अब ये आपका अगेन मैक्सिमा आ जाता है तो इस मैक्सिमा के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस है बेटे मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस आपका डी साइन थीटा जो है 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 के बराबर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये आपकी बेटे सिंपली कंडीशंस बन गई हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा। आप कैसे अंडर व्हाट कंडीशंस आप ये दोनों चीजें जो हैं ये बना सकते हैं। इसके बाद बेटे जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में आपको रिपीटेडली पूछा भी जाता है दैट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। बेटे लेट अस कैलकुलेट द
विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ को आप कैसे मैनेज करेंगे, लेट अस विद इट ट्राई टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज विद इट. विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, इसमें बेटा आप ये विड्थ निकालना चाहते हैं, दिस वन. इसके लिए आप इतना जो पोर्शन है आपके सेंट्रल फ्रिंज का, इसको बेटे एक्स के बराबर बोल देते हैं. हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज आपने एक्स कह दिया. और डियर चिल्ड्रन, स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस आपका कैपिटल डी हुआ करता है. दिस इज ऑलरेडी वेल नोन टू यू बेटा. फर्दर मोर बेटे आप अब क्या करने वाले हैं कि ट्रायंगल आपका सी ओ एंड पी, जो मिडल में एक बड़ा सा ट्रायंगल बना पड़ा है सी ओ एंड पी, इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखिएगा. इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी ओ पी में, ट्रायंगल सी ओ पी, इसमें बेटे आइए हम टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करें. टेन थीटा हमारा किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इस केस में, ये आपका ट्रायंगल जो आप देख रहे हो, इट विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, ये आपको बेटा मिल जाता है. डियर चिल्ड्रन, बिकॉज जब भी हम डाइफ्रेक्शन की बात करते हैं तो एंगल थीटा कोई बहुत ज्यादा बड़ा एंगल नहीं होता, इट इज ऑलवेज ए स्मॉल एंगल बेटे. और अगर ये एंगल स्मॉल है, आपका जो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, और आप इस टेन की जगह पर साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी लिख सकते हैं. आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए. देन बेटा आपने पी पॉइंट पे बिकॉज मिनिमा बना रखा है, इसके लिए आपके पास कंडीशन था डी साइन थीटा इज इक्वल टू वन इंटू लेमडा, बिकॉज फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं. तो डी साइन थीटा इज सिंपली लेमडा, यहां से आप साइन ऑफ एंगल थीटा निकाल लीजिए, दिस इज लेमडा अपॉन स्मॉल डी, एंड लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर बेटे टू. आप इक्वेशन नंबर वन और टू को इक्वेट कर दीजिए. इक्वेटिंग वन एंड टू बेटा आपके पास बनेगा x अपॉन d, दिस इज इक्वल टू लेमडा अपॉन स्मॉल d बेटा. अब आप सिंपली x की कैलकुलेशन कर लीजिएगा. x इज इक्वल टू लेमडा d अपॉन d, स्मॉल x जब आपने निकाल लिया तो बीटा सेंट्रल फ्रिंज का जब आप निकालना चाहोगे, इट विल बी ट्वाइस दिस x बेटा, बिकॉज जितना ये अपवर्ड डायरेक्शन में उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, ये आपके एक्स का डबल हो जाएगा. और आपका जो बीटा सेंट्रल फ्रिंज का है, दिस इज ट्वाइस लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये आपका बेटे सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ निकल आया. अगर आप ध्यान से देखें, जब आपने इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस के लिए फ्रिंज विड्थ निकाला था, यहाँ वहां पे टू नहीं था, सारी फ्रिंजेस बराबर की विड्थ की थी, लेमडा डी बाई डी, All fringes were of same width. लेकिन यहाँ पे central fringe की width ज्यादा है, बाकी की जो fringes हैं उनकी fringe width इतनी नहीं है बेटा. Secondly, एक और फर्क भी है कि आपका जो diffraction में incoming जो और fringes हैं, इनकी intensity बराबर नहीं है. धीरे 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 as you move away from the center, ये कम होती जाती है, and this they disappear after some distance altogether. और फर्दर मोर बेटे आपका डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड इसका नहीं होता स्क्रीन पर, इट इज लिमिटेड अप टू सम एक्सटेंट. जितना बड़ा इंटरफेरेंस के केस में स्प्रेड हो जाता है, इस केस में उतना बड़ा स्प्रेड यहाँ पे नहीं हो पाता. ये इसका कुछ उस इंटरफेरेंस से बेटा डिस्टिंक्शन भी है इन पर्टिकुलर वेज में. एक तो सेंट्रल फ्रिंज बड़ा बनेगा, बाकी फ्रिंजेस जो हैं फेंट होते चले जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं बनता, उधर बड़ा बनता है. और डाइफ्रेक्शन आपका इंटरफेरेंस का एक स्पेशल केस ही है. कुछ ऐसी बातें हम बेटे जो है
यहां पे कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड विद द डिस्कशन अहेड, इफ यू हैव एनी डाउट सो फार इन दिस कंसेप्ट, यू आर मोस्ट वेलकम। आई कैन सी आदित्य, ध्रुव, गुंजोत, क्षितिज एंड लक्ष्य, मानविया, मान्या, प्रदीप, सुप्रिया, सारे स्टूडेंट्स बेटा, कोई बात आपको नहीं पता चली इस केस में तो जरूर बताइएगा बेटा। आदित्य शर्मा, ध्रुव शर्मा, गुंजोत सिंह, ओके बेटे, नाइस। हाँ जी सर। हाँ जी बेटे गुंजोत, सारा क्लियर है? यस सर। चलें आगे फिर? चलो, चलिए। राइट बेटे, इसके बाद हमारे पास बेटे एक और इसी चीज के साथ रिलेटेड कंसेप्ट है बेटा, दैट इज फ्रेजनल्स डिस्टेंस। बेटे व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फ्रेजनल्स डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को बेटा कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। दिस इज अगेन द स्पेशल पार्ट ऑफ योर डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट बेटे। आइए देखें, फर्दर मोर कैलकुलेशन करके देख लेंगे हमारा जो है फ्रेजनल्स डिस्टेंस जो है ये है क्या, और आप इसको वर्कआउट कैसे कर सकते हो बेटा। फ्रेजनल्स डिस्टेंस बेटा, फ्रेजनल्स डिस्टेंस जो है इसको जेड एफ से बेटे डिनोट किया जाता है, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वे में बीटा वगैरह डिफाइन करते हो, इसी तरीके से जेड एफ जो है इसको भी हम बेटे इस सिचुएशन में डिफाइन कर सकते हैं। और आप यहां पे कह सकते हैं कि जो फ्रेजनल्स डिस्टेंस है बेटा, ये आपके स्लिट से स्क्रीन तक का वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर आपके डाइफ्रेक्शन पैटर्न का जो स्प्रेड है स्क्रीन पे हुआ हुआ वो इस स्लिट के साइज के बराबर आ जाए बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, फ्रेजनल्स डिस्टेंस बेटा आपके स्क्रीन का वो डिस्टेंस है एज मेजर्ड फ्रॉम द स्लिट जिस डिस्टेंस पर आपका स्प्रेड जो यहाँ पे है आप देख रहे इंटरफेरेंस पैटर्न का वो स्लिट के साइज के बराबर आ जाए बेटे। सो आइए बेटे इसको देखें, डिफाइन करें बेटा फ्रेजनल्स डिस्टेंस जेड एफ जो है इट इज डिफाइंड एज दैट डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेड ऑफ डाइफ्रेक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन बिकम्स इक्वल टू स्लिट विड्थ। ये आपने बेटे कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेना है। इस जेड एफ को बेटा कैलकुलेट करने के लिए मैं ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा इसको एक बार अलग से बेटे यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूं ड्रॉ करके। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका डिस्टेंस है इस सेंट्रल फ्रिंज का जो आपने ऑलरेडी बना रखा है, और ये आपका बेटे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उधर बना हुआ वो सेंटर पे, ये कुछ इस तरीके का, ये समथिंग लाइक दिस बेटे, ये आपका सेंट्रल फ्रिंज जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसकी बात हम कर रहे थे। तो यहां पे बेटे आपने ये वाला जो स्प्रेड है ये इस स्प्रेड को वाई इमेजिन कर लिया, एक्स वाई जेड आप कुछ भी कह सकते हो, और फर्दर मोर आपका ये जो एंगल है लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू थीटा, हमें नहीं पता कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये डिस्टेंस आपने ये डी के बराबर का डिस्टेंस आपका एज मेजर्ड फ्रॉम द स्लिट बेटे, स्लिट से आपका जो डाइफ्रेक्शन है ये स्टार्ट होता है, दैट्स वाई वी आर
यूजिंग दिस स्लिट बेटा। देन फर्दर मोर बेटे अगर हम बात करके देखें इस सिचुएशन में कि हमारा जो एंगल है एंगल थीटा किसके बराबर आप कैलकुलेट कर लिया करते हो, एंगल थीटा दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ये कहीं आपने लोअर क्लासेस में ये चीज पढ़ी हुई है एंगल की डेफिनेशन। यहाँ पे आपने कंपास प्लेस किया ऐसे आर्क लगा दिया, ये आर्क का लेंथ बन गया, दिस इज योर रेडियस ड्रॉन फॉर द आर्क बेटे। सो यू विल से दैट एंगल थीटा आर्क लेंथ वाई वन के बराबर है डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, आपको एसएच जो है ये बेटा मिल जाता है। यू कैन हैव द व्यू ऑफ द डायग्राम आल्सो। इसके बाद बेटे आपने कंडीशन निकाल रखी है कि हमारा जो मिनिमा है फर्स्ट मिनिमा है ये डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा के बराबर है, और साइन थीटा आपका लेमडा अपॉन स्मॉल डी के बराबर, आपने मिनिमा की कंडीशन से इसको बेटा उठा लिया एज सच। तो अभी अभी हम बात कर रहे थे बिकॉज एंगल्स बड़े बड़े एंगल्स नहीं है, स्मॉल स्मॉल एंगल्स बने हुए हैं सारे के सारे। अगर बच्चों एंगल स्मॉल है छोटा है देन आपका जो साइन ऑफ एंगल थीटा है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल थीटा, और आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन स्मॉल डी बेटे। और बेटा ये थीटा आपने ऑलरेडी यहाँ पे वर्कआउट भी कर रखा है, ये देखिएगा इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा वाई वन अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन स्मॉल डी बेटा। और यहाँ पे हमने अभी अभी बात की थी कि ये वो डिस्टेंस है स्लिट का स्क्रीन से, दैट इज डी को आप जेड एफ लिखने वाले हो, और आपका जो स्प्रेड है वो वाई वन के बराबर था, तो वाई वन आपका जो है ये आपका स्लिट का साइज डी जो है इसके बराबर आपको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। डेफिनेशन देखिएगा एक बार फिर से, आपको कहा गया है क्लियरली कि फ्रेजनल्स डिस्टेंस जो है ये आपके स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस है, मतलब डी आपका जेड एफ के बराबर हो गया, जिस डिस्टेंस पे ये जो स्प्रेड है ये स्लिट के साइज के बराबर हो जाता है, और वही वैल्यूज हमने ये दोनों इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और आपके पास बेटे रहेगा वाई वन की जगह पे स्मॉल डी आ गया, कैपिटल डी की जगह पे जेड एफ आ गया पुत्र जी, लेमडा एस एच और ये डी आपके पास पड़ा ही है, सो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा इंटू जेड एफ, एंड जेड एफ आपके पास आ गया डी स्क्वायर बाई लेमडा। सो इस तरीके से बेटे आप अपना जो फ्रेजनल्स डिस्टेंस है बेटा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और फर्दर मोर आप इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसका जो यूज है वो भी कर सकते हो बेटा। सो डियर चिल्ड्रन इन दिस वे आप फ्रेजनल्स डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ये सारे के सारे मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद आप अपने न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें अगर ब्रीफली, सबसे पहले आपने डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया, फिर आपने ऑब्जर्वर का कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न की ऑब्जर्वेशन के लिए, लैम्डा स्क्वायर अपॉन फोर डी कुछ इस तरीके से आपने कल डिस्कस किया था। आफ्टर दैट बेटा वी हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आपने फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन किया, फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन कंप्लीट किया, और उसके बाद बेटे हमारा जो प्रेजेंटली सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न का है सेटअप ये लेटेस्टली हमारे सिलेबस में था, इसको आपने बनाकर पाथ डिफरेंस की कंडीशन सेट करके देन आपने बेटे इस सिचुएशन में सबसे पहले सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ निकाली बीटा निकाला, और उसके बाद आपने फ्रेजनल्स डिस्टेंस जो है बेटा ये कैलकुलेट किया। सो इसके साथ बेटे आपका जो है वेव ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट इट कम्स टू एन एंड। एक लास्ट वाला पॉइंट है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, आइए मैं वो भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है बेटा इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट
when the light coming from the two coherent sources is made to pass through the medium, that is air, and allowed to interfere or allowed to superimpose, and we get the interference pattern on the screen. Or interference pattern mein aapke paas bright and dark fringes jo ban jaya karti hain, wo confirm kar deti hain is baat ko ki jitni bhi energy light ki form mein aapko mil rahi hai, us energy ki simply redistribution hi ho rahi hai. Lekin on the other hand beta, diffraction jo aap dekh rahe ho, jo aapne sara discuss kiya hai, diffraction is the bending of the light around the sharp edged obstacles when the light is made to fall on the sharp edged obstacles, the light encroaches into the region of the geometrical shadow. That encroachment of light into the geometrical shadow region, that is called diffraction of light. ये पहला point दोनों का आ गया बेटा. In the case of interference pattern, अगर second difference की बात करें, interference pattern में बेटा आपका all the fringes are of equal width, लेकिन diffraction में जैसे आप देख रहे हो ये बराबर की fringe width possess नहीं करती है. Central fringe की width double है in comparison to the other fringes बेटा. तीसरे point में आप कह देंगे कि आपके interference pattern में जो fringes बन रही हैं, these are equally bright. यहाँ पे equal brightness नहीं है. As you move away from the central bright fringe, the brightness it goes on decreasing, intensity it goes on decreasing बेटा. तीसरी point के बाद fourth point में आ जाता है आपका जो interference pattern है उसमें हमारा contrast बहुत अच्छा बनता है बेटा, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में. वो क्यों अच्छा बनता है? बिकॉज आपका डार्क रीजन परफेक्टली डार्क होता है, ब्राइट रीजन परफेक्टली ब्राइट होता है. दैट इज व्हाई वी से दैट द कंट्रास्ट इज वेरी गुड. लेकिन जब आप इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज इंटेंसिटी में रेगुलरली फॉल आता है. और सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हैं कि डाइफ्रेक्शन पैटर्न का स्प्रेड उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा स्प्रेड आपका इंटरफेरेंस पैटर्न का ऑन द स्क्रीन हुआ करता है. सो इन दिस वे बेटा एक और पॉइंट आप कह सकते हो बेटा कि आपका जो डाइफ्रेक्शन है इन द नटशेल, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस इटसेल्फ. इंटरफेरेंस की ही एक खास टाइप को आप डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो है ये कह देते हैं. सो ये बेटे आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे. आपको अगर पूछा जाता है तो ये बेटे 6-7 पॉइंट्स बनते हैं. तो वी शुड ऑलवेज बी इन ए पोजीशन टू आंसर ऑल दीज डिफरेंट पॉइंट्स एज सच बेटे. सो डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम माय साइड. अगर आपका कोई पॉइंट पूछने वाला, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा. आदित्य, ध्रुव, गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, मान्या, सुप्रिया, ऑल ऑफ यू बेटा, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए बेटा. अदरवाइज फ्रॉम माय साइड वेव ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट है. कल आपका बेटे एक रे ऑप्टिक्स का टेस्ट, आपने टेस्ट शेड्यूल देखा होगा, टेस्ट होगा एंड दैट विल बी सेंड टू यू एट 4 PM. आई हैव ऑलरेडी इंटीमेटेड टू यू बेटा. सो डियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट सो फार बेटा? ऑल ऑफ यू, आदित्य, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ओके बेटे, नाइस बेटे. सो डियर चिल्ड्रन, इसके बाद फिर हम कल हमारा जो एक्सरसाइज है इंटरफेरेंस डाइफ्रेक्शन के साथ रिलेटेड, फिर कल वो स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटे. थैंक यू ऑल बेटा.